और उस उस्ताद को बोलता था कि आप क्या नंगे हो, मैं आपसे भी ज्यादा नंगा हूँ, मैं कच्चा भी नहीं पहनता है। टाइम से पगार नहीं मिलती, अगर उनको टाइम से पगार मिल जाए ना, ये हमारे से कभी वीक ना माना। नहीं नहीं, इनका घर बार नहीं चलता है। भाई शोलापुर तक ऐसा ही रोड है, औरंगाबाद से थोड़ा पीछे हैं, घाट चढ़ के ऊपर आ गए हैं, टोल पर पहुंचने वाले हैं। रोड देखो कितना मस्त बना हुआ है, दुलिया से 40 गांव, 40 गांव से औरंगाबाद, घाट चढ़कर औरंगाबाद, भाई औरंगाबाद, औरंगाबाद भी बाईपास ओके हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा अंतक मचाया हुआ है, 500, 1000, 200, 300, 500। तूफान के साथ आगे बिल्कुल नहीं दिख रहा, टोटली नहीं दिख रहा। अनपर का भाई है ये, अनपर को तो जानते होंगे सभी, उसका बड़ा भाई है ये। आगे जा रही अपनी गाड़ी अशरफ और एक उस्ताद और आया हमारे साथ इम्तियाज अली, पहले 11 दिन से चला के आया, अभी इधर के बम्बई में गाड़ी चला रहा है, उसको घर जाना था तो हमें रास्ते में मिला ये। अभी ये हमारे साथ ही मतलब गाड़ी खाली करके पहले घर जाएगा, हम प्यार के साथ आया है, प्यार चला रहे हैं गाड़ी। ये दोस्तों 40 गांव घाट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जाम लगा करता था पहले, जो दुलिया से सीधा औरंगाबाद को रास्ता आता है ये वो है, तो यहाँ रात में तो अभी भी जाम वगैरह लगता है बहुत बढ़िया। अभी तो रोड लुक वगैरह बहुत मतलब अच्छे तरह से रोड बना दिया गया है, बहुत मस्त रोड है, घाट बहुत मस्त है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर गाड़ी वाले अपनी लाइन में चलते रहे फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो अगर ओवरटेक करेंगे, जाम लगा है आगे जाने की वो सोचेंगे तो फिर तो जाम लगेगा। तो हम गाड़ी वाले खुद ही जाम क्रिएट करते हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है। अब देखो इस गाड़ी का लोड ज़्यादा है, इसको मैंने जगह देख ली, आगे भी गाड़ी नहीं है तो मैंने इसको पास करने की सोची है, तो इसको मैंने पास कर लिया। तो अगर आगे से गाड़ी आती है जैसे ये आ रही है पहले आ जाती तो जाम लग जाना था, ये बात है। यहाँ ट्रैफिक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रहती है, गुजरात लाइन की गाड़ियाँ सभी इसी रोड पे चलती हैं, तो आजकल कच्चे माल वाली बंगलोर वाली गाड़ियाँ भी इसी रोड से होके जाती हैं, औरंगाबाद से कन्नन घाट से सीधा इधर। ये नीचे है सोलर सिस्टम लाइट का बनाया हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत खर्च किया हुआ है। तो जैसे मैं बोल रहा था दुलिया से होकर जाती हैं अपने सिद्धमा बॉर्डर होके, बस ये कोई 50-60 किलोमीटर का टोटा सिर्फ सिंगल रहा है, 52 नंबर रोड है ये, बस सिर्फ वही रहा है थोड़ा सा, उसके बाद उसका भी काम लगा हुआ है, डबल हो रहा है, 4 लेन घाट के नीचे तक वो हो जाएगा, फिर एक घाट रह जाएगा सिंगल, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। हो सकता है घाट का भी कुछ ना कुछ ये लोग कर ही लेंगे, तो चले बने रहे हमारे साथ और लीजिए नज़ारे इस घाट के। अब भाई शोलापुर तक ऐसा ही रोड है, औरंगाबाद से थोड़ा पीछे हैं, घाट चढ़ के ऊपर आ गए हैं, टोल पर पहुंचने वाले हैं। रोड देखो कितना मस्त बना हुआ है, दुलिया से 40 गांव, 40 गांव से औरंगाबाद,
कर औरंगाबाद भाई, औरंगाबाद औरंगाबाद भी बाईपास ओके हो चुका है। औरंगाबाद से पीछे टोल पे, यहाँ पे हम चाय वगैरह पियेंगे, साथ में नाश्ता करेंगे और क्या बोलते हैं उसको, बड़ा पाव वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा करेंगे सफ़र कंटिन्यू, क्योंकि सफ़र अभी हमारा कम से कम भी 500 से ऊपर है, तो रात को पहुँचना है आज, जैसे कैसे भी है सफ़र कंप्लीट करना है। मुख्तार भी आ चुका है, हमारे उस्ताद जी भी आ चुके हैं, दोनों गाड़ियाँ साथ में ही हैं। तो अब यहाँ से हमें सारा रोड ना जितना भी है सारा का सारा फोर लेन मिलेगा कोल्हापुर तक, कोल्हापुर से शायद 50 किलोमीटर हमें सांगली पार करके हमें शायद थोड़ा बहुत खराब मिले। तो चलो खाते हैं बम्पर रख। ये नाश्ता है हमारा, ब्रेड पोवा, बड़ा पोवा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको मराठी में। पहुंच गए भाई औरंगाबाद बाईपास, नया बाईपास बना है मस्त, औरंगाबाद इस साइड रह चुका है भाई, और शिरडी को रास्ता वो इधर से इधर नीचे को चला गया, वहाँ में सीधा भीड़ को जाना है। बाईपास बन गया पूरा, नो एंट्री का चक्कर ही कोई नहीं है, पहले होता था नो एंट्री का चक्कर, पर अब बहुत बढ़िया रोड बन गया है औरंगाबाद से शोलापुर तक फुल टापो टाप। कर लिया हमने औरंगाबाद बाईपास को पार, बस ये स्टेप थोड़ा सा रह गया है, तो पहले अंदर से आए करते थे, नो एंट्री लगती थी, फिर नो एंट्री खुलती थी फिर आते थे, अब सुविधा हो गई है, बाईपास अच्छा बाईपास बन गया है, तो इसलिए अब हमारा अभी भी सफ़र कंटिन्यू है। अगर नो एंट्री रहती तो फिर हमारा रास्ता बंद हो जाना था, फिर शायद हम इधर से आते भी नहीं, रोड वो सामने है, शायद आपको मोटरसाइकिल वगैरह अगर चलते दिखते होंगे सब, वो बस भी आ रही है, वो पुराना रास्ता है जो शोलापुर के लिए निकलता था, वो अंदर सिटी वाला रास्ता हो गया, वो बस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये अंदर वाला और ये वाला बाईपास दोनों अटैच हो जाते हैं। चुके हैं हम लोग बीड महाराष्ट्र, जब से महाराष्ट्र घुसे हैं ना तब से महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है, 500, 1000, 200, 300, 500, इससे कम ले ही नहीं रहे हैं, इतना तंग किया अभी तक, चार नाके पे पैसे दे चुके हैं, इतना ज़्यादा आतंक है ना पूछो मत। अभी कोल्हापुर पहुँचते पता नहीं कितने मिल जाएंगे, चलें क्या करना, फिर पहुंचने वाले हैं बीड बाईपास। तो भाई लगभग बीड बाईपास कर लिया हम लोगों ने पार, इस साइड है बीड, अगर कैमरे में आ रहा होगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा, बीड मंडी गया हूँ 3-4 बार, और ये बस समझो जा रहा शोलापुर वाला रोड, पहले भी एक दो व्लॉग में स्टार्टिंग में दिखाए हैं मैंने बीड मंडी के अंदर वाला भी, और मौसम देखिए यार महाराष्ट्र का सावन का भी। बीड़ घाट पहले ऐसे घूम घूम के चढ़ता था, अब सीधा चढ़ा दिया उन्होंने,
गिर रहा है मैं ऐसे पोले पैर। मुख्तियार की बस हुई अभी, पीछे से आया पूरा दब के। तो भाई जहाँ पे रुके थे यहाँ पे हमने खाना पीना थोड़ा फ्रेश हुए, नहाए धोए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी कर रहे हैं हम अपना सफर दोबारा कंटिन्यू। यहाँ से अभी हमारा पूरा 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 400 किलोमीटर सब चल रहा है। तो रात 10 बजे तक का टारगेट है हमें, तो इंशाल्लाह देखो क्या होता है, अब तक पहुँचते हैं। तो निकल रहे हैं अभी हम, सभी बंदे फ्रेश हो चुके हैं, तो चलो निकलते हैं। तुलजापुर पहुँच गए हैं भाई, शोलापुर से पीछे तुलजापुर। देखिए यार व्यू देखे, नया उस्ताद आए हमारे साथ, इम्तियाज अली। तुलजापुर बाईपास, तुलजापुर सिटी अंदर रह गई, गड्डी रॉन्ग साइड आ गया गांव। ये देखो भाई कहाँ रॉन्ग साइड चला हुआ है पागल का बच्चा। तुलजापुर की नदी भी है, ये लेक है, लेक छोटी सी लेक है भाई ये। हाँ नदी में चलते हैं नहाने के लिए, सही बात है। नदी में नहाने के लिए और कितने अच्छी लुक आ रही है यार बादलों की, मस्त है यार मस्त। बहुत प्यारी जगह है भाई महाराष्ट्र, ये तुलजापुर, शोलापुर, उस्मानाबाद, बहुत अच्छी लुक है।
छोलापुर पहुंच गए भाई, पहुंच गए भाई छोलापुर। बहुत बड़ा छोलापुर है। हमारे भाई हैं इधर के एक सब्सक्राइबर भाई, उनको हमने बताया नहीं कि हम आ रहे क्योंकि हम लेट हो रहे थे, वापसी में बताएंगे उनको। देख सकते हो सीधा जाके आगे से हम लोग राइट लेंगे। आ गया भाई सामने हैदराबाद पूना एक्सप्रेस, वो जहाँ से हम लोग लेंगे भाई आज तक। यहाँ से हम राइट लेंगे। ये ट्रैफिक वालों की वजह से बहुत तंग हुए हम लोग, बहुत तंग हुए हैं। सुबह से जब के हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में आए ना, बहुत ही ज़्यादा तंग किया इन्होंने। कम से कम 2,000 रुपया बांट दिया। जाने 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 2,000 से ज़्यादा दे दिया ना। हम बोलते थे कि हमारे J&K में ही ट्रैफिक वाले ज़्यादा तंग करते हैं। नहीं यार, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कपड़े उतार देते हैं। हाँ, और उस उस्ताद को बोलता था कि आप क्या नंगे हो, मैं आपसे भी ज़्यादा नंगा हूँ, मैं कच्छा भी नहीं पहनता, ऐसे बोल रहा था। यार उनको ये पैसे पचते कैसे हैं, देने तो खिलाने तो ले गए अपने परिवार में ही है ना वो पैसे। नहीं नहीं, इनका घर बार नहीं चलता है यार, चक्कर ये है, इसलिए वीक देना पड़ती है। यार मैं ना ऑल इंडिया घूमाऊँ, ऑल इंडिया, किसी भी स्टेट में पुलिस वाले तंग नहीं करते हैं, समझ रहे हो, किसी भी स्टेट में नहीं तंग करते हैं। सबसे ज़्यादा तंग करते हैं महाराष्ट्र पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यार वो लेते हैं RTO एंट्री ऊपर जाने, RTO एंट्री लेता है राजस्थान में, पर उनका असूल है यार 100-200। हाँ पर काम है, इन्होंने पहले रुलवाना, महाराष्ट्र पुलिस का काम है पहले बंदे को रुलाना है, रुला के उसके बाद बोलेंगे 2,000 दे दो एक गाड़ी का, 1,000 दे दो, बस ये काम है इनका। आज बहुत गुस्सा आया पर क्या करें, मजबूर थे, कच्चा माल लोड था, छोड़ो यार बुला दिया सब कुछ। बिल्कुल नहीं समझते हैं, हम जब बोल रहे हैं कि जो जायज आपकी एंट्री है भाई, आपने लेना है हराम खाना ही है, जो करना है जायज जो एंट्री है 100-200 सीधा बोलो, दो टाइम तो मत वेस्ट करो, इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना कि रोया यार आज मैं क्या बोले। जब से महाराष्ट्र के अंदर एंटर हुए हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाके छोलापुर तक मिले हैं। हर टोल, जहाँ टोल होगा वहाँ ट्रैफिक वाले होंगे, मतलब जहाँ जहाँ कोई गांव होगा ना छोटा सा गांव, वहाँ ही मिलेंगे ये, क्या बोले यार, गुस्सा आ रहा बहुत ज़्यादा। तो चलो यार छोड़ो उनको, बोला अपने ब्लॉग में मज़ा लेते हैं। अब हम पूना वाले रोड पे इंटर हो चुके हैं जो हैदराबाद से पूना को जाता है, थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ से हम ले लेंगे अपना सॉरी लेफ्ट साइड बीजापुर बंगलौर वाला जो बाईपास बना नहीं हो वो वाला लेंगे, थोड़ा आगे जाके फिर उधर से नीचे उतर जाएंगे पंडरपुर वाले रोड पे, सॉरी पंडरपुर सांगली संगोला वाले रोड पे, बस वो ही हमारा सफ़र रहेगा कंटिन्यू। तो चलो, हाँ जी दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं छोलापुर से सांगली वाले रोड पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो आपको लंबा पड़ा, लंबा हमें बेशक पड़ा पर रोड है ना, रोड टापो टाप था, इसके लिए हम लोग वहाँ से इधर को आ गए, 150 किलोमीटर लंबा है। तो चलें करते हैं अपना सफ़र एंजॉय, ये 225 किलोमीटर हमारा सफ़र बैलेंस रह चुका है।
तो चलो मिलते हैं अभी आपको अपने सफर पे जाके, सांगली संगोला पंडरपुर सब दिखाएंगे। बारिश कितनी डेंजरस बारिश हो रही है, और हो भी रही है बस ये थोड़ी सी जगह पे। बाहर देखो नज़ारा, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है तूफान के साथ। आगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, टोटली नहीं दिख रहा है। फुल स्पीड में वाइपर चलाए हुए हमने, इतनी तेज बारिश हो रही है। देख लो भाई कौन जाएगा भाई, इधर ना भर्ती है ना भरना। संगोला पार कर लिया भाई, शाम के 7 बज चुके हैं। तो अभी हमारा सफर बचा है कोई 110 किलोमीटर, ड्राइव कंटिन्यू है 200 किलोमीटर के करीब। मुख्तियार का सफ़र है, तो चल रहे हैं हम अपने मस्त होकर। मौसम देखो कैसा है, आज हमें नया उस्ताद मिल चुका है। हैं तो ये हमारे पुराने हैं, 1100 सबसे पहले यही चलाते थे, उसके बाद अनवर का भाई है ये, अनवर को तो जानते होंगे सभी, उसका बड़ा भाई है ये। बहुत जल्द अनवर भी मार्केट में आने वाला है। फिर भी इस मार्केट में आ गया, फिर मार्केट में आ गया, सही बात है। चलो देखते हैं भाई, रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी, कोल्हापुर मंडी। और गाड़ी लगा दी है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं लगा सोने। तो चलो बाकी सुबह बताएंगे जो भी होगा, और ये ब्लॉग करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तो दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। आप लोग के लिए गुड नाइट।